हाल ही में संपन्न हुए जिला परिषद एवं पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस राष्ट्रवादी को करारी शिकस्त देकर गठबंधन की उम्मीदवार प्रिया मुकादम, गोपाल भगत और ज्योत्सना गढ़ीरे ने शानदार जीत दर्ज कराई थी। इस जीत की खुशी का जश्न मनाने के लिए इतवार को कलम्बोली कॉलोनी में एक विजयी रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें गठबंधन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। इस विजयी रैली में शामिल हुए महिला कार्यकर्ताओं का उत्साह वास्तव में देखने लायक था, क्योंकि रैली में महिलाओं ने कुछ पारंपरिक खेल का भी प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रिया मुकादम, गोपाल भगत और ज्योत्सना गढ़ीरे ने मतदाताओं को अभिवादन किया, तो कुछ जगहों पर मतदाताओं की ओर से इन तीनों का जोरदार स्वागत किया गया। एक नजर डालते हैं इस विजयी रैली पर। इस विजयी रैली के बारे में शेका पक्ष के कलम्बोली शहर उपाध्यक्ष बबन मुकादम ने हमारे प्रतिनिधि को जानकारी दी। अपन शेतकरी कामगार पक्ष, शिवसेना, बीजेपी, आरपीआई, महायुती तर्फे विजय मिरवणूक आज अपन 26 तारखेला काढतोय। काढण्याचं एकच कारण आहे का भरभरून कलंबोलीच्या पब्लिकनी आमच्या महायुतीला यश दिलेलं आहे आणि विरोधकांचा पूर्णपणे पाणीपत केलेलं आहे आणि असंच प्रेम पब्लिकचा आमच्यावर राहो। आम्ही पब्लिकसाठी काय काय कामं करतो काय नाही करतो ते पब्लिकला दिसून आलेलं आहे आणि ह्या अनुषंगाने आम्हाला खूप खूप त्यांनी सांभाळून घेऊन चांगल्या भरघोस मताने विजय करून दिल्याबद्दल सगळे पहिले पब्लिकचे आभार आणि याला आमदार विवेकानंद पाटील, हरिभाऊ शेठ पाटील, बबनदादा पाटील, बालासाहेब पाटील आणि आरपीएचे जगदीश भाई ह्या नेत्यांनी जे आम्हाला साथ दिली त्याबद्दल आम्ही त्यांचे शतश आभारी आहोत। धन्यवाद।